कभी किसी की कोई स्ट्रैटेजी सीखूँ तो काफ़ी अच्छी लगती थी उस पर काम करता था अच्छा प्रॉफिट होता था दो दिन प्रॉफिट हुआ तो वो मेरे लिए भगवान हो गए एंड फिर जैसे तीन दिन बाद उनका लॉस होता है तो मैंने सोचा था चलो एक और चांस दे देते हैं और जब अगली बार फिर से किया फिर से लॉस हुआ फिर तो वो भगवान से दानों बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कॉलेज जाते वक्त मैं फटी हुई सैंडल पहन के जाता था भैया की सैंडल थी उसे सिला सिला के मुझे याद है कि मतलब जब तक वो पूर्व से मर नहीं जाता तब तक मैं उसे यूज़ करता था मैं एक जोन मार करता था वो आज मैं मार करता हूँ जब मैं वो जोर मार रहा था तो मैंने काफ़ी बार देखा कि प्राइस वहीं से टैप होके वहीं से ऊपर जाता है तो हेलो एवरीवन आई एम धनंजय शेट्टी एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी फ्रॉम अ सन ऑफ चाय वाला टू इंजीनियर टू अ ट्रेडर तो मैं बॉर्न ऑफ फ्रॉम कराड़ दैट इज इन महाराष्ट्र एंड फिर वहीं से मेरी स्कूलिंग वगैरह सब स्टार्ट हुई थी एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं था लेकिन ऐसे भी नहीं कि हम खानदानी गरीब भी नहीं थे बट येस yes, बाद में हम टर्न टू ड्यू टू सम फैमिली इशूज़ हम थोड़े फाइनेंशियली वीक हो चुके थे एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम स्कूल जाते थे तो ऑब्वियसली मतलब फीस का थोड़ा इशू चलता ही रहता था तो तब से ये था कि कुछ ना कुछ तो बदलना है तो तब ये था कि बदलना है तो फिर कुछ तो पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं तो फिर समझ आया कि चलो पढ़ना तो पड़ेगा तो टेंथ तक बस मेरा ये टारगेट था कि कुछ भी हो कुछ ना कुछ करके हमें आगे चले कुछ ना कुछ बनना है तो तब कुछ ट्रेडिंग का कुछ आइडिया था नहीं तो तब ये था कि मतलब उस ज़माने में ऐसा था विच इज़ अराउंड टू के आसपास कि अच्छा जॉब उसे कहा जाता था कि कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने तो ऑब्वियसली पैसों की मारामारी से तो कोई डॉक्टर तो बनने की मैं सोच नहीं पाता था तो ये था कि बस इंजीनियर बन जाते हैं तो मैंने स्टार्ट की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इलेवन ट्वेल्थ टेंथ तक इतना कुछ खास मैं पढ़ाई में था नहीं बट ड्रास्टिक चेंज मेरे इलेवन ट्वेल्थ में आ गया कि जब मैं काफ़ी तब मैं काफ़ी अच्छा था जो कि मेरे मैथ्स बहुत स्ट्रॉग थी उस टाइम पर अभी भी है एंड तो फिर ऐसा हुआ कि अब मुझे समझ आ चुके अब मेरे लिए इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा होगा तो फिर मैंने इंजीनियरिंग में चला गया फिर वहाँ पर भी जब एडमिशन लिया तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे ख़ानदान का मैं पहला इंजीनियर था एंड सो किसी को कुछ पता नहीं था कि इसमें कैसे क्या होता है बट आई हैड गुड्स आई हैड गुड स्कोर इन एम एस सी टी उसने मैं सी टी में स्कोर किया था तो जेई वगैरह तब नहीं था तब इट वॉज ए ट्रिपल ई तो यस उसमें अच्छे स्कोर आए थे तो आई गॉट गुड कॉलेज जो कि मैं कोल्हापुर में मैंने पढ़ा था जैसे मैंने कहा कि चाय वाला तो मेरे पापा की एक चाय की टपरी थी एंड वो उससे चलाते थे एंड फिर हम तीन भाई बहन मिलके हम तीन लोग थे हम लोग तीन लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे जैसे मैंने कहा कि हम खानदानी गरीब भी नहीं थे तो ऑब्वियसली जब पहले अच्छा कंडीशन था तो हमें इंग्लिश मीडियम में डाला गया था बट उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली डायरेक्ट पे नहीं कर पाते थे तो ऐसा होने लगा कि हर महीने मतलब तब ऐसा था कि हर मंथ को हमें फ़ी पे करना था बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीसन हम पर हर मंथ फी नहीं पे कर पाते थे तो डायरेक्ट एक साल बाद या दो साल बाद ऐसे चलता था एंड मुझे याद है कि ये सारी फ़ी जो भी भरे हुए हैं तब पापा ने मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी से उठा के पैसे भरे हुए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो भी लोन थे वो बाद में काफ़ी लोन्स हमने खुद ने पेड़े हैं एंड काफ़ी लोन्स ऐसे हुए कि पापा ने तब थोड़े थोड़े पे कर लिए थे तो ये चलता ही रहता हमेशा ये लोन का तो जल चलता ही रहता तो ये लोन का रिश्ता मेरा काफ़ी पुराना था तो जैसे आगे बढ़ने लगे तो इंजीनियरिंग इसलिए मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा था कि क्योंकि मुझे गारंटी नहीं था कि मैं कुछ इंजीनियरिंग बन पाऊ लेकिन क्योंकि मेरे बड़े भैया है मेरी मेरे एक बड़ी बहन है तो मुझसे पहले वो लोग कहीं जॉब कर रहे थे लाइक मेरे भैया भी फिर मुंबई चला गए थे तो वो भी किसी होटल में पहले काम करता था एंड उसके बाद फिर वो मुझे वहाँ से कुछ पैसे भेजता था, था इंजीनियरिंग के लिए तो ऐसा था कि है तो हम गरीब लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते हो तो दिखा तो नहीं सकते तो तब ऐसा था कि कुछ पैसे तो है नहीं बट थोड़ा दिखाना भी पड़ता है कि कुछ है बाबा हमने तो फिर कोई दोस्त भी नहीं बनते उस टाइम पे तो था वो थोड़ा भैया से बाहर तब पैसे आते थे एंड इंजीनियरिंग भी मैंने पूरी ई तब मिलती थी उससे की है तो मेरी फीस हार्डली अगर पूरी इंजीनियरिंग पकड़े तो ऑलमोस्ट इट वॉज अराउंड एट्टी टू नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ जो कि टू थाउजेंड सिक्स सेवन के आसपास से टू थाउजेंड इलेवन तक का था तो यस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई एंड तब भैया का सपोर्ट था दीदी का भी सपोर्ट था कि वो उनकी जॉब से थोड़े थोड़े पैसे भेजते थे बट ऐसा नहीं कि बहुत ही सपोर्ट था कि मतलब बहुत पैसे खुल के मिले ऐसे भी नहीं था बट यस yes, चल रहा था एंड उसका भी मुझे याद है कि लास्ट ईयर में मैंने उसकी फ़ी पे की थी फर्स्ट ईयर में मैंने जब फ़ी पे की थी तब हमने पार्सल फ़ी पे की थी फिर हर साल ई मिलती रहती थी तो वो फ़ी पे होता था एंड उसके बाद ऐसे चलता रहा कि हर एग्ज़ाम के टाइम और प्रिंसिपल केवर में जाना पड़ता था क्योंकि फ़ी पे नहीं गया तो एग्ज़ाम को अलाउ नहीं करेंगे बट वो आदत सी बन गई थी तो मैं थर्टी मिनट्स लेट जाता था ताकि कोई रोके ना डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाओ तो फिर थर्टी मिनट लेट आए तो कोई आपको भेजता नहीं वापस तो ऐसे चलता था एंड फिर अब तब इंजीनियरिंग की करना था एंड ऐसा हुआ कि दो हज़ार टू थाउजेंड इलेवन को जब मैं पास आउट हो रहा था तब ऑब्वियसली रिजिशन ज़्यादा था एंड आई कैन से कि शायद मैंने इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं की कि ताकि मुझे तब जॉब भी नहीं मिली तो मेरा यह था कि और मतलब जब इलेवन में था जॉब नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन एक और था कि मुझे जॉब उस टाइप को जॉब करना नहीं था मैं था कि या तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करूँगा या फिर मैं एक टीचर कुछ बनूंगा तो मैंने इलेवन में डायरेक्ट फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एज ए टीचिंग एंड मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग ट्यूटर बन गया तो फिर वो चल रहा था फिर तब थोड़े बहुत पैसे आने लगे दिस वॉज अराउंड टू जब मैं पास आउट हुआ तो इमीजिएटली मैं ज्वाइन हुआ था एंड मेरी छोटी अर्निंग स्टार्ट हुई फिर जब बढ़ने लगा तो अब पहले से तो दिन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि पहले याद है कि स्कूल के टाइम में दो रुपये भी नहीं मिलते थे एज पॉकेट मनी अब कुछ तो कुछ ना कुछ खुद की सैलरी तो मिलती है भले ज़्यादा नहीं थी लेकिन आठ दस हज़ार थी स्टार्टिंग पेमेंट वाज एट थाउजेंड एंड तीन ही महीने में वो फिर दस हज़ार हुआ था बट येस ठीक था कि छोटे गांव में रह रहा हो घर का खाना मिल रहा है घर में सब रह रहे तो फिर वो आठ दस हज़ार भी काफ़ी थे उस टाइम पे बट होता है ना कि मतलब कुछ सपने देखे हुए थे और जब छोटे घर में होते हो था था तो एक uh, डिसंटेज ये होता है कि हमें हमेशा कहा जाता है कि जैसे हमारे uh, मराठी में हम लोग कहते हैं कि हाथुन बगून पाए पसरावे यानी कि जितना अपने लिमिट देख ही अपना सपने देखो लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सोचना नहीं चाहिए बट ये बाय डिफॉल्ट हर छोटे घर में यही आदत सबको डाली जाती है कि आप लोग यही छोटी सोच सोचो एक जॉब कमाओ एक सेटल हो जाओ और फिर ख़त्म तो ये था लेकिन फिर भी कभी कभी लगता ही था क्योंकि मैं लियो हूँ तो मुझे लगता है कि यस मुझ में वो एग्रेशन है तो मुझे कभी लगता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए मुझे कुछ और ही चाहिए अब और चाहिए तो फिर और पैसे चाहिए तो मैंने जॉब तो कर रहा था टीचिंग की जॉब कर रहा था तो मैंने सोचा अब इसकी क्लासेस भी शुरू करूँ तो मैं इंजीनियरिंग की क्लासेस सिखा रहा था एंड आई एम प्राउड एंड आई कैन से कि उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं ऐसा था कि मतलब मेरे पास जो भी सीखने आता है वो कभी फेल होता ही नहीं था आई वॉज गिविंग हंड्रेड परसेंट गारंटी कि जो फेल हो जाए तो फिर रिफंड ले जाओ और एक अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शेट्टी हूँ तो एक बिजनेस मैन का एडिकर भी होता है तो इतना अच्छा बिज़नेस कि कभी एक रुपया रिफंड देना नहीं पड़ा मुझे फॉर फीस तो वो सब अच्छा चल रहा था बट होता है फिर भी कि एक्स्ट्रा की चुल्ह चाहिए तो जब ये कमाते हैं तो और भी पैसे चाहिए तो ऐसा हो कि टू में एक दोस्त मिला उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये एक ऐसे ऐसे ब्रोकर है यहाँ पर मैं उनका नाम ले लूँगा लेकिन उसमें आप ट्राई करो तो उसने कहा कि मेरा मेरे अकाउंट से ले ले तो मुझे कुछ रेफरल मिल जाएगा तो जो भी ट्रेड करेगा मुझे उससे कुछ मिलेगा तो मैंने बोला ठीक है ट्राई कर लेते हैं तो लिया और सुना था मैंने कि इसमें मैथ्स बहुत लगता है और मैं था कि मैथ्स तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो मैंने सोचा ये तो अपन आराम से कर लेंगे तो ले लिया एंड फिर स्टार्ट किया जब स्टार्ट किया तो उसमें दिख रहा था हमें बिड प्राइस आस्क प्राइज़ हम तो सिर्फ यही देख रहे थे बायर ज़्यादा है घूसो बाय में सेलर ज़्यादा है घूसो सेल में कमाओ पैसे स्टार्ट हुआ स्टार्ट किया था सिर्फ टेन थाउजेंड रुपये से स्टार्ट किया था हम तभी याद है कि दिन के पहले दिन ही तब ढाई सौ कुछ रुपये मिले थे तो हमारा कैलकुलेशन शुरू हुआ आज ढाई सौ तो तीस दिन के हो जाते ऑलमोस्ट साढ़े सात हज़ार रुपये तो अगर हम ये बढ़ाएंगे तो होगा कितना और दस हज़ार में हमने साढ़े सात रुपए कमाए महीने के तो सोचो अगर एक लाख का तो कितना होगा पचहत्तर हज़ार तो मैंने सोचा कि पचहत्तर हज़ार ये तो बहुत बढ़िया है तो और साथ में दस हज़ार की सैलरी थी और साथ में क्लासेस शुरू तो क्लासेस भी तो है एंड ये भी है तो और क्या कम है मैंने सोचा अब तो बन गए हम महीने के एक लाख तो आराम से बन जाएंगे तो ये सोच के मैं करने लगा करने लगा करने लगा लेकिन ऑब्वियसली बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं मिलता ऑब्वियसली पैसे जाना तो था ही एंड वो वैसे ही हुआ जो दस हज़ार डाले थे वो बढ़ गए थे आज ढाई सौ प्लस तो फिर अगले दिन फिर कभी चार सौ पाँच सौ माइनस लेकिन ये था कि किसी को बताना नहीं कि लॉस हुआ है उस टाइम में आदत थी कि अगर कोई पूछे कैसे चल रहा है एकदम बेस्ट तो प्रॉफिट होगा तो यह देखिए आज मैंने प्रॉफिट किया अगर लॉस हुआ तो सॉरी आज मैंने ट्रेडिंग नहीं ली थी ऐसे तब झूठ बोलते थे एंड ये हर ट्रेडर के लाइफ में होता है कि स्टार्ट में हर कोई झूठ ही बोलता है कि लॉस तो छुपाना है और प्रॉफिट को दिखाना है ये बेसिक फंडा था लेकिन फिर तब रियलाइज़ हुआ कि ऐसे से कुछ काम नहीं बनेगा कुछ तो सीखना पड़ेगा अब सीखना है तो सीखे कहाँ से टू बी ऑनेस्ट मैं व्हाट्सएप में भी बहुत लेट आ चुका हूँ मेरे पहला मोबाइल मुझे याद है मैंने टू थाउजेंड सेवन एट में लिया था जो कि मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेकंड ईयर में था वो भी ऐसे ही मतलब पापा को समझो मुझे बुक चाहिए पाँच सौ रुपये की तो मैं बोलता था कि छः सौ छब्बीस रुपये की बुक है तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पैसे मिलते तो वो ऐसे बड़ा बड़ा के मैं आ, संभाल के मैंने एन सेवेंटी उस टाइम पर लिया था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गरीब है लेकिन दिखाना नहीं था तो कुछ तो मोबाइल अच्छा चाहिए था तो एक साल बिना मोबाइल के रुकाऊ तो फिर जब लूँगा तो उस टाइम का बढ़िया मोबाइल लेना था वैसे मैंने ले लिया तो यस तो मैं टेक्नोलॉजी काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस हो चुका हूँ तो ऑब्वियसली कुछ पता नहीं था कि कौन सिखाता है क्या सिखाता है कुछ लोगों के वहाँ पर मैंने बोर्ड पढ़ता था हमारे गाँव में भी कुछ था कि मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट सिखाया जाएगा तो मैं सोचता था कि इनके पास जाओ तो क्या मतलब अगर ये सच में कर पाए तो ये क्यों सिखाते हैं ये भी दिमाग में आ रहा था मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसे ही होगा तो फिर पहले सोचा नहीं खुद से ही करो और तब एक दिमाग में था कि किसी का दस हजार बीस हजार रुपये का कोर्स करने से अच्छा वो बीस हज़ार में खुद के कैपिटल में रखो और उस पर ट्रेड करो वो रिस्क ले लो ये सोच के मैंने करा लेकिन हुआ क्या ऑब्वियसली वही होना था अगर नॉलेज नहीं है तो वो पच्चीस का जीरो होने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं एंड वैसे ही हुआ था तो फिर आगे चल के मुझे लगा कि नहीं सीखना तो चाहिए तो मैंने कुछ बुक्स ढूंढे फिर तब यूट्यूब पे कुछ ढूंढा तो मुझे कुछ गुरुज मिले कुछ इंडियन गुरुज़ मिले कुछ बाहर के गुरुज़ मिले तो मैंने पहले इंडियन से स्टार्ट किया तो जब सीखता था, था तो ऐसे होता कि कभी किसी की कोई स्ट्रैटेजी सीखूँ तो काफ़ी अच्छी लगती थी उस पर काम करता था अच्छा प्रॉफिट होता था दो दिन प्रॉफिट हुआ तो वो मेरे लिए भगवान हो गए एंड फिर जैसे तीन दिन बाद उनका लॉस होता है तो मैंने सोचा था चलो एक और चांस दे देते हैं और जब अगली बार फिर से किया फिर से लॉस हुआ फिर तो वो भगवान से दाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो फिर मैं कर रहा था कि मैं चलो ये सीखा आप दूसरों को स्विच करते हो ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम हुआ तो अराउंड टू मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत हो गया कि अब ये अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखने की ज़रूरत है नहीं बट ये सीखना तो है तो मैंने खुद पे थोड़ा एनालाइज किया खुद को आ, सब बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया तब पता चला कि गलती मुझ में ही थी सब मेंटर्स अच्छे थे सब गुरु अच्छे थे सब ने अच्छा सिखाया बट गलती मुझ में थी कि मैं सबको कैप्चर पूरी तरह से नहीं कर पाया था तो मुझे मेरी कुछ मिस्टेक्स मिली तो उससे मैंने फिर प्रॉफिट करना स्टार्ट किया तो प्रॉफिट करते 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 अब लगा कि अब जॉब छोड़ने का समय आ चुका है तो ऐसा होता कि मैंने स्टार्ट तो किया था टेन थाउजेंड से तो तब वो टेन थाउजेंड हमेशा क्या करता था मैं सैलरी अपनी टेन थाउजेंड थी साथ ही आ, मेरे इंजीनियरिंग क्लासेस थे तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है वो फिफ्टी परसेंट में इसमें लगाता था तो कभी पाँच हज़ार दस ऐसे लगाता था और ये था कि मेरा तब टारगेट ये था कि मंथ एंड तक पैसे टिके रहे मतलब तो मन में था कि वो दस का पचास करूँगा लेकिन होता नहीं था तो बस ये था कि मंथ एंड तक टिके रहे ताकि अगले मंथ में फिर से पैसे डाल सकूँ तो ऑलमोस्ट काफ़ी उसमें लॉस हुआ ऑलमोस्ट वी कैन सी कि अराउंड वन लैक मैंने लॉस कर दिया था तब मैंने सीखना स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब सीखने के बाद भी और ट्रेडिंग कराएँ तो फिर से मैंने वहाँ पर अराउंड फिफ्टी थाउजेंड इवेस्ट किए थे तो मुझे ये भी याद है कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने थर्टी टू थाउजेंड को ऑलमोस्ट वन लैख थर्टी थाउजेंड तक में पहुँचाया था ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग एंड ये भी अच्छा स्टिक चल रहा था लेकिन फिर बाद में ऑब्वियसली मतलब होता है कि आ, हम कैसे कह सकते हैं कि बिगिनर्स लक हो सकता है या तो फिर जस्ट सीखा है कुछ चीज़ें तो उसका कुछ हो होता है इसलिए तो प्रॉफिट हो चुका था बट अगेन फिर से वो लॉस होगा लॉस में गाउट हुआ तो अराउंड मुझे याद है इंडियन में तब स्टार्ट में अराउंड टू लैक लॉस हुआ था एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं रहता क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि जो चला गया उसे भूल जाओ और अब आगे उस पर फोकस करो तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं रखता लेकिन टू लैक के अराउंड कुछ था तो फिर जब ये क्लास भी चल रहे थे फिर जब मैं खुद पे पैनलेस गया फिर मुझे पता चला कि यस ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है तो उससे मैं प्रॉफिटेबल होने लगा का मतलब कुछ ना कुछ पैसे बचने लगा तो ऐसे ही जमा होते होते जब मुझे क्लियर हुआ कि ये मेरे लॉस भी कवर हो चुके हैं एंड मेरे पास अराउंड पाँच लाख क्लियर प्रॉफिट सिर्फ बेस्ड ऑन दिस बचे हुए हैं तो मैंने सोचा कि अब शायद टाइम है कि हम जॉब छोड़ सकते लेकिन फिर भी मैंने इमीजेटली छोड़ा नहीं था क्योंकि ये फैमिली माइंड की शादी 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 चलता है तो उस टाइम पर ऐसे था कि शादी करना है तो जॉब चाहिए तो फिर जब मुझे जॉब छोड़ना था तब मैंने इसी बहाने को यूज़ किया क्योंकि मुझे शादी में ऐसे लग रहा था कि शादी तब करूँगा जब मैं मुझे लगा कि अब मेरे पास काफ़ी बहुत कुछ है जो कि अभी भी मुझे वैसे नहीं लगता और भी कुछ चाहिए ऐसे लगता है ठीक है लेकिन तो फिर इसलिए मैंने अराउंड टू मैंने जॉब छोड़ दी एंड ये सेवनटीन छोड़ने का पहला रीज़न ये था कि मैं कम्युनिटी पर ज़्यादा स्विच हुआ था कि मैं सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं करता था मैं कम्युनिटी में ज़्यादा स्विच हो गया एंड मुझे गोल्ड ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी तो जब मुझे गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट होने लगा तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते रहे होते जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर सोचा कि अब मुझे जॉब छोड़ने की ज़रूरत है और टू थाउजेंड सेंवनटी मैंने जॉब छोड़ दिया लेकिन ये टू थाउजेंड सेवेंटीन में जॉब छोड़ने से पहले भी दो साल ऐसा था कि मैं तब तक उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी सीनियर बन गया था तो मेरे पास काफ़ी पेंडिंग ली थे तो ऐसा था कि मेरा टाइमिंग बहुत अजीब था मैं मुझे याद है मैं पूरे तीस दिन में मैं गिने चुने तेरह चौदह दिन में सिर्फ जाता था और बाकी सब मेरे पेड़ होती थी तो ऐसे मैंने मतलब ऑलमोस्ट पंद्रह चौदह पंद्रह के आसपास मैंने उसे छोड़ा था लेकिन फिर भी हम ऐसे मानते हैं कि सत्रह को मैंने ऑफिशियली उसे मैंने बाय बाय कर दिया था तो फिर कम्यूटी में, में मेरा काफ़ी अच्छा चलने लगा एंड फिर उसमें प्रॉफिट करते करते फिर सारी तब तक ये हुआ था कि जो कुछ भी मेरे एजुकेशनल लोन्स वगैरह थे वो तो ऑब्वियसली क्लियर होने ही थे एक टाइम था कि कहीं जा कहीं अगर घूमने जाना है तो तब सोचते थे कि कैसे जाए यानी कि सबसे हम ढूंढते थे कि सबसे सस्ता किससे जाए और अब एक है कि अब कहीं जाना हो तो हम पहले देखते हैं कि कहाँ फ्लाइट कितने टाइम कितनी बजेगी वो हम देखते हैं बस यही चेंज थोड़ा बहुत अच्छा चेंज हो चुका है और पहले ऐसा था कि अगर कहीं जाना है तो फिर यानी कि मुझे याद है मैं आ, अकेला ऐसा बंदा होगा हमारे पूरे बैच में ट्वेल्व के आसपास कि कॉलेज जाते वक्त मैं फटी हुई सैंडल पहन के जाता था भैया की सैंडल थी उसे सिला सिला के मुझे याद है कि मतलब जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक मैं उसे यूज़ करता था और आज भगवान की दया से एक अच्छा काम चल रहा है कि मतलब वैसे जूते कभी मैं पहनता नहीं वैसे चप्पल कभी पहनता नहीं तो जब मैं कम्युनिटी मार्केट में स्विच हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि काफ़ी चीज़ें जो हम सीखते आए हैं वो सारे यूज़फुल ऐसे नहीं है मैं ऐसे नहीं कहूँ कि सारे यूज़फुल नहीं है बट यस yes, खुद का हमेशा का एक अलग स्टाइल होना ही चाहिए तो मैंने जब मेरे लॉसेस किए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लॉस क्यों किए तो मुझे मेरी हमेशा आदि कि मैं चेक करते रहता हूँ कि मेरा लॉस क्यों हुआ है कितना प्रॉफिट हो जाए वो मेरे लिए मैटर नहीं करता मेरा ये है कि मेरा लॉस जो हो रहा है वो ढंग का लॉस होना चाहिए यानी कि यस लॉस तो प्रॉफिट होते ही रहेगा लॉस होगा थोड़ा बहुत बुरा लगेगा ऑब्वियसली बुरा लगेगा बट अगर आप परफेक्टली लॉस कर रहे हो देन वो मेरे लिए प्रॉफिट है अब परफिट लॉस का मतलब ये मैं मानता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपका लॉस का रीजन आपका कोई मतलब आपको मुझे लग रहा है वाला फीलिंग नहीं था अगर ये प्योरली आपके सेटअप के हिसाब से था तो यस वो लॉस बनता है एंड वो आपको एक्सेप्ट करना है तो ये ऐसे लॉस को भी मैं प्रॉफिट मानता हूँ तो जब ये कमटी करता था तब मुझे ऐसा लगा कि एक मैं एक जोन मार करता था वो आज मैं मार करता हूँ जब मैं वो जोन मार करता तो मैंने काफ़ी बार देखा कि प्राइस वहीं से टैप होके वहीं से ऊपर जाता है तो काफ़ी सालों से उस जोन को सिर्फ मैं जोन कहता था उसे मैं कोई नाम नहीं कहता मैं सिर्फ उसे जोन कहता था मैंने कभी सोचा नहीं कि उसे अपना नाम कुछ दे दूँ लेकिन तो जब मैं ये जोन को यूज़ करने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे लिए एक गुरु मंत्र टाइप है कि जो मैंने सीखा काफ़ी लोगों से लेकिन उसमें से मैंने कुछ मेरे मॉडिफिकेशन उसमें करके मैंने वो जोन बनाया था एंड जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं किसी भी मार्केट में अगर देखूँ तो मुझे उसमें उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट एटी नाइनटी परसेंट दिखाई देता है अब क्योंकि मैं उसे ज़्यादा जानता हूँ तो मेरे लिए वो जोन परफेक्ट है लेकिन बाकियों के लिए शायद वो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट हो सकता है कि वजह लेकिन मेरे लिए एटी नाइन्टी परसेंट में मिल जाता है तो इसी जोन को आगे चल के मैं उसे कहता हूँ कि डीजे जोन मैंने मेरे यूट्यूब पर फ्री में वो जोन डाला भी है जो लोग अभी भी यूज़ करते हैं मुझे काफ़ी लोग मैसेज भी आते हैं कि ये अच्छा है बढ़िया है ये है वो है बट यस मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि बिगनर में कोई भी एक दिन में प्रॉफिटेबल लेडर नहीं बनता बिगनर में आपको सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है लाइक अगर कोई भी इंजीनियर भी करो तो भी आपको उतने सालों की फ़ी हम भरते हैं तो वैसे ही अगर ट्रेडर भी बनना हो तो सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ फी होगा तो फी होगा या तो वो टाइम होगा या फिर आपका आपने जो एक्सपीरियंस है वो आपका फी होगा तो आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा सो so, पेशेंस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आसान बात नहीं है लोगों तो को नहीं होता ही नहीं है एंड बिगनर्स में तो वो बहुत कम होता है सो स्टिक टू वन स्ट्रेटजी और स्टिक टू यूर ओन सेटअप्स और ऐसे नहीं कहूँगा कि यस बस आ, मतलब अभी मैंने कहा कि स्टिक टू वन स्ट्रेटजी बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको सिर्फ एक पे ही काम करना है आप उस एक जोन को यानी जैसे मैंने एक डीजे जोन को मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करता हूँ इट लुक्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू एवरी वन फॉर मी इट इज़ अ सिंपल वन डीजे जोन स्ट्रेटजी मैं उसे अलग अलग नाम बताता हूँ अगर मैं उसे पंद्रह मिनट यूज़ करूँ तो उसे मैं कुछ और बताऊंगा अगर मैं उसे फिफ्थ के साथ यूज़ करूँ तो मैं उसे कुछ और बताऊंगा अगर मैं उसे लॉन्ग ड्राइव यूज़ करूँ तो उससे कुछ और बोलूंगा बट सबका बेसिस में वही डीजे जोन के हिसाब से ही करता हूँ तो यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से टू ऑल द बिगनर्स कि जब भी आप कोई भी सीख रहे हो तो जिस पर आप बैठे हो उसमें अड़े रहो और हमेशा खुद को तीन सवाल पूछो कोई भी ट्रेड लेते वक्त पहली चीज आपने ये जो भी ट्रेड लिया है जो भी ट्रेड आप ले रहे हो आपको जो भी सेटअप दिख रहा है क्या वो सच में टेक्निकल सेटअप बन चुका है अगर उसका आंसर है यस आप राइट हो सेकंड क्वेश्चन पूछो कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो आप कितने देर तक इसे होल्ड कर सकते हो या आपका लॉस कितना हो गया आपको क्या पहले से पता है थर्ड अगर ये ट्रेड सेटअप आपके हिसाब से जा रहा है तो आप इसे कितना लंबा होल्ड करने वाले हो या फिर आपका टारगेट क्या है आपके पास ये तीन चीज़ों के सवाल है तो डोंट वरी आप बिंदा से भी ट्रेड किया करो और कुछ लोग कहते हैं कि दिन में दो ट्रेड तीन ट्रेड आई वुड से मैटर अगर आपका सेटअप बोल रहा है यहां पर बाय करना है तो बाय कर लो अगर आपका सेटअप बोल रहा है यहाँ पर सेल करना है तो सेल कर लो तो ये मत सोचो कि दो ही ट्रेड लेना है तीन ट्रेड लेना है चार ट्रेड लेना है क्योंकि आपको आपके सेटअप की एक्यूरेसी पता है अगर मुझे पता है मेरे ट्रेड के मेरे सेटअप के अगर सेवेंटी परसेंट है तो इसका मतलब दस में से सात ट्रेड सही होंगे तीन ट्रेड गलत होंगे तो सौ में से ऐसे भी कह सकते हैं हम सौ में से तीस गलत होंगे और सत्तर सही होंगे तो समझो अगर पहले चार ही मेरे स्टॉप लॉस हुए एक दिन में अगर मैंने पाँच ट्रेड लिया नहीं बट अगर पाँच ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा तो फिर मैं वो प्रॉफिट ट्रेड मिस कर सकता हूँ इसलिए ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या है लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके सेटअप से एंट्री बनती है तो यस दैट इज़ ट्रेड इट इज़ नॉट ओवर ट्रेडिंग तो मैं बिगिनर्स को फिर से एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जितना हो सके आपके सेटअप को सिंपल रखो जितना इसे कॉम्प्लीकेट करोगे आपको उतना ही उसमें और डूबते जाओगे और आप कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा ऐसे ही मैंने मेरे एकदम सिंपल टेक्निक जो कि डी जे जोन कहता हूँ मैं एंड साथ में कहता हूँ कि ट्रेड द ट्रेंड जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ टी 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 एकदम सिंपल तरीके से मैंने मेरे यूट्यूब पे भी शेयर किया है अगर आप चाहते हो कि मैं इसे और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम इतना अभी इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे बट अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी स्ट्रेटेज आपके सामने शेयर करूं आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताएं लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें डाइव इन करें आपको और भी अच्छे से बताए तो यस कमेंट रिप्लाई ऑन द कमेंट यस ताकि हम इस इस पर भी और कुछ वीडियो बनाएं कुछ बातें बताई नहीं जाती मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि सॉरी मतलब मैं डायरेक्ट बोलता नहीं बट जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि पहले ऐसा टाइम था कि जब मैं कहीं जाऊँ तो मैं देखता था कि अगर कहीं जाना है तो वहाँ पर रहने के लिए क्या क्या, क्या कहाँ रहना कितने सस्ती जगह क्या वो देखता हो बस आज के टाइम में भी इतना बता सकता हूँ कि अगर कहीं भी जाना हो तो पहले मैं फ़्लाइट चेक करता हूँ कितने बजे की है ये भी नहीं चेक करता कि कितने कॉस्ट बिस्ट क्या होगी ये चेक करता हूँ कि फ्लाइट की टाइमिंग क्या है और वहाँ रहने के लिए मैं पहले एयरबिन भी देखता हूँ या फिर कोई अच्छा फोर स्टार फाइव स्टार होटल देख लेता हूँ बस इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो आई होप आपको सब मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी एंड अगर आप ये सिंपल चीज़ समझ पाए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है तो आई कैन मेक श्योर आई कैन से कि आप बन गए ट्रेडर सो थैंक यू वेरी थैंक